तो ये बेटर है या ये बिटर है, ये अच्छा है या ये बुरा है, कोई भी कहेंगे अच्छा है। तो इस्लाम में शादी का इंस्टीट्यूशन है, मिलने का तरीका है तो अलग होने का भी तरीका है, इसको बोलते हैं तलाक। सिंपल सेंस, आने का रास्ता है तो जाने का रास्ता भी। इस्लाम में मैरिज एक्चुअली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में साइन होता है और दोनों एग्री करते हैं कि हम दीन पर साथ मिल के रहेंगे और उस दीन पर कायम रहने के लिए वो शादी करेंगे और उसी बुनियाद पर अपनी आगे की नस्ल को बढ़ाएंगे। ये बुनियाद पर दोनों मिलते हैं, लेकिन एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ उर्दू में होता है, किसी और जगह अलग अलग जबानों में होता है, अमेरिका और इंग्लिश में होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो शादी इस्लाम में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों पार्टीज में से जो पार्टी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम बिल्कुल सादा, दो पार्टीज मिले, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हुई, साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज जिसको बोलते हैं। इस मैरिज को जब चाहे डिसोल्यूट किया जा सकता है, खत्म किया जाता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। बुनियाद क्या होंगी? मिले दीन पर, अलग होंगे दीन की बुनियाद पर, और हम दोनों सेपरेशन इख्तियार करेंगे और अलग हो जाएंगे। तो एक दरवाजा आने का, दूसरा दरवाजा जाने का, सिंपल। ये दरवाजा बंद रहता है जब तक आप खुलाना चाहे, दोनों में से कोई एक पार्टी, वो दरवाजा खुला ही है। ऐसे तो मैरिज हुआ तो खोल दिया, ये दरवाजा बंद है, आप जब खोलना चाहे दोनों पार्टीज में से एग्जिट करना है। फायर हो गया, जलजला आ गया, भागो बाहर निकल गए। लाइफ के अंदर जलजला आ गया, शौहर बहुत ज्यादा फला फला कर रहा, तो औरत भी जा सकती है खोलकर, मर्द भी जा सकता है। तो ये एक बेनिफिट है या एक थ्रेट है? ये एक प्लस पॉइंट था या एक नेगेटिव पॉइंट था? इस्लाम ने बोला एग्जिट डोर है, आप दोनों में से जब जो चाहे, अगर ये जो आप